मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तभी मैं उठ चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। तो वो कैसे यूज़ करते हैं तो वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्राइंग में। जो भी स्मूथ टेक्सचर है वो ब्लेंडिंग से आता है। तो ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग में। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाओगे तो आपका जो आप ड्रॉ किए हो वो रियलिस्टिक नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लेंडिंग टूल्स है ये, जो कि है ब्लेंडिंग स्टम्प्स। लोग बोलते हैं कि ये एक वाइट पेंसिल है, तो ये वाइट पेंसिल नहीं है, ये पूरा पेपर का बना हुआ है। तो ये अलग अलग साइज में मिलता है, जैसे छोटे एरियाज के लिए ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स ये वाला भी, और बड़े एरियाज के लिए बड़े वाले ब्लेंडिंग स्टम्प्स। तो नेक्स्ट ब्लेंडिंग टूल्स है ये ब्रश। तो ये कैमलिन का ब्रश है मेरे पास। तो ये बड़े एरियाज के लिए बहुत हेल्पफुल है, हेयर वगैरह के लिए ये यूज़ किया जाता है। और थर्ड नंबर पर है मेरे पास ये टिश्यू पेपर। ये भी बहुत अच्छा ब्लेंडिंग में यूज होता है, लार्ज एरियाज के लिए, एकदम स्मूथ टेक्सचर के लिए। तो अभी मैं इस सबसे आपको ब्लेंड करके दिखाता हूँ और आप खुद ही देख लीजिए कौन सबसे अच्छा ब्लेंड करता है। तो अभी मैं 6B से शेडिंग कर चुका हूँ। तो चलिए अभी मैं ब्लेंडिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले मैं ये ब्लेंडिंग स्टम्प यूज कर रहा हूँ। तो अभी मैं ब्रश से ब्लेंडिंग कर रहा हूं। तो अभी मैं टिश्यू पेपर का यूज कर रहा हूं। तो पहले तो देखो कि फोटो को ऑब्जर्व करके कि कहां पर क्या ब्लेंड है, और उस हिसाब से इन तीनों मटेरियल्स को यूज करो। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग टूल का यूज किया है, जो कि बहुत ही ड्राइंग को रियलिस्टिक बना रहा है। तो अभी मैं इस ड्राइंग में ब्लेंड करने के लिए हेयर्स पर मैं ब्रश का यूज कर रहा हूँ। तो पहले तो आपको फोटो को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर ब्लेंडिंग करना होगा, और उसी हिसाब से आप इस तीनों टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो मैं सभी टूल्स के बारे में रिव्यू दूंगा मेरे चैनल पर। तो कल मैं हाइलाइट्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक न्यू फ्रेश ब्लॉग में। सो टिल देन, बाय बाय।